इम्प्लांटेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं? बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें कैसे पता कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो पीरियड वाली ब्लीडिंग है या फिर इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, या फिर ये भी आपके क्वेश्चन रहते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है, वो कौन से डेज में होती है, या फिर कई बार आप लोग ये भी पूछते हैं कि इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग है उनका कलर क्या है। इन सारे डाउट्स, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक आप वॉच कीजिएगा। तो मेरा नाम है श्वेता और मैं इस चैनल पे आप सभी के साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। मेरा बेटा जो है वो 2 साल का है। देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, जैसे ही आप कंसीव करते हो एग और सेल मिलते हैं, तो जब ये गर्भाशय की वाल से चिपक जाते हैं, उसके बाद जो आपका बॉडी है वो एक इंडिकेशन देता है कि आपने जो है वो कंसीव कर लिया है। इस गुड न्यूज़ को दिया जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के थ्रू। तो देखिए, ये जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, ये हर किसी को नहीं होता है। बहुत कम लेडीज़ को एप्रोक्स अगर अनुमान के थ्रू बताया गया है कि 33% लेडीज़ को ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, और बहुत सारी लेडीज़ होती हैं लेकिन वो लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, जैसे ही आप कंसीव करते हो उसके 9th डे में ये आपको ब्लीडिंग होती है। आप कैसे पता करोगे कि ये ब्लीडिंग आपका पीरियड का है या फिर आपने कंसीव कर लिया है? बिकॉज अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी तो वो गुलाबी या फिर ब्राउन कलर की होती है, और वो बहुत कम अमाउंट में होती है, यानी कि 1 दिन के अंदर ही कभी कभी होगा, नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा। लेकिन जैसे आपको पीरियड्स होते हैं तो उसमें रेड कलर का ब्लड आता है, ये आपको 3 से 4 दिन तक होता है पीरियड्स। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया, इम्प्लांटेशन अलग चीज़ है, ये कंसीव होने के बाद होता है, और पीरियड्स ये वो चीज़ है जब आप कंसीव नहीं करते हो तो आपको फिर से पीरियड्स आ जाता है। अब यहाँ बात करेंगे कि हमारा बॉडी क्या क्या इंडिकेशन देता है। देखिए, इंडिकेशन बहुत सारे हैं, इनमें से अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने वाला होता है या फिर हुआ है, इस केस में क्या होता है कि आपके पैरों में काफ़ी दर्द रहेगा, आपके पेट के निचले हिस्सों में दर्द रहता है, आपका मूड चेंज होता है, आप थोड़ी सी थकी हुई फील करती हैं, आपका कह सकते हैं कि जो टेस्ट होता है वो भी कड़वा हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं इम्प्लांटेशन वाले सिम्टम्स, वही सिम्टम्स हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। बिकॉज आपको पता ही है, 1 वीक बाद जैसे कंसीव करते हो उसके 1 वीक 8-9 दिन बाद आपको हो जाता है ये ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के टाइम क्या होता है, बहुत सारी लेडीज़ को उनके ब्रेस्ट में भी पेन आ जाता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप थकान ज़्यादा फील करती हो, जैसे नॉर्मल डेज में होता है उस हिसाब से आप यूरिन जो होता है वो बार बार जाना स्टार्ट कर सकती हैं। ये सारे कुछ लक्षण हैं जो इजीली बता देते हैं कि आपका जो है वो कंसीव कर चुके हो, और ये जो ब्लीडिंग थी वो एक इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग थी, ये पीरियड वाली ब्लीडिंग नहीं थी। इसके बाद आप 1-2 दिन रुक के चाहे तो प्रेगनेंसी किट के थ्रू ज़्यादा कन्फर्म होने के लिए अपनी प्रेगनेंसी चेक कर सकती हैं। अगर ये सारे लक्षण मिल रहे हैं तो डेफिनेटली गाइज वो जो 2 पिंक लाइनें हैं वो आपको भी नज़र आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।